कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, मैं आमना दाऊद और आप देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इसकी वजह से देश की स्थिति नाजुक बनी हुई है। लॉकडाउन से भी काम धंधा चौपट हो गया है। इस मुश्किल वक्त में कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड सितारे भी दिल खोलकर आर्थिक स्थिति में मदद कर रहे हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान जैसे कई बड़े सितारे सहायता राशि दे चुके हैं, जबकि अमिताभ बच्चन की मदद को लेकर अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई, जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिए हैं। मदद की जानकारी न होने की वजह से लोग सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन को ट्रोल कर रहे हैं। कई यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं कि उन्होंने सहायता राशि क्यों नहीं दी। इसके बाद अमिताभ ने एक कविता के जरिए इशारा किया कि उन्होंने गुप्त दान किया है, लेकिन ये बात यूजर्स को हजम नहीं हुई। उन्होंने अमिताभ के पुराने ट्वीट निकालकर दिखाए, जिसमें उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों के घर वालों की मदद करते हुए 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। अब एक बार फिर अमिताभ ने ऐसे ही ट्रोलर्स को जवाब दिया। बता दें कि अमिताभ ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, उनका काम है बोलना, हमारा करना। वो कर सकते तो समय ना होता बोलने का। बोलते इसलिए हैं क्योंकि कुछ ना करने से उन्हें समय मिलता है बोलने का। ये स्वभाव बुरा नहीं है, मैं तो उसकी प्रशंसा करता हूँ। यदि वे बोलते ना तो हमें कैसे पता चलता कि हम कुछ कर रहे हैं। दरअसल अमिताभ को ट्रोल करने की एक वजह ये भी है कि जो सितारे भी पीएम केयर फंड और दूसरी किसी संस्थाओं में मदद कर रहे हैं, वो इस बात का खुलासा अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ ने अभी तक ये बात कहीं नहीं कही उन्होंने किस जगह आर्थिक मदद दी है। इस वजह से ट्रोलर लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।